हाय गाइस, मैंने देख डाली है गोविंदा नाम मेरा। सच कहूँ तो इस फिल्म का ट्रेलर देख के मुझे कोई ख़ास उम्मीद थी नहीं, पर ये फिल्म मुझे कैसी लगी ये जानने के लिए ये रिव्यू पूरा देखिएगा। एंड इफ यू वॉन्ट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। गोविंदा नाम मेरा राइट फ्रॉम फ्रेम वन एक चीज़ पर भरपूर तरीके से उतरती है, वो है एंटरटेनमेंट। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और निर्देशन दोनों किया है शशांक खेतान ने, और स्क्रीन प्ले ऐसा है कि आपको इतने सारे ट्विस्ट्स इस फिल्म में देखने को मिलते हैं कि आपको मज़ा ही आ जाता है। हर 10-15 मिनट बाद एक मेजर ट्विस्ट, एक मेजर सब प्लॉट ऐसे आता है फिल्म में कि आप अपनी सीट से ग्लूड रहते हैं। फिल्म का जो कॉमेडी एलिमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं भी कॉमेडी जो है वो फोर्स्ड तरीके से एंटर होते हुए नहीं। इसमें साथ देती है सपोर्टिंग कास्ट, हर एक किरदार को करने के लिए कुछ ना कुछ सॉलिड दिया गया है। और सपोर्टिंग कास्ट में जो मेरे लिए स्टैंड आउट करती हैं वो है रेणुका शाहने जी। उनका किरदार इतना 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 मज़ेदार है कि आपको जब जब वो स्क्रीन पर आती हैं आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। गोविंदा नाम मेरा मुझे जेन्युइनली ऐसे लग रहा था कि कोरियोग्राफी से रिलेटेड स्टोरी होगी, बट स्टोरी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये फिल्म कहाँ से कहाँ लेकर जाएगी। और इस फिल्म के बारे में मैं ट्रस्ट मी आपको कुछ नहीं बता सकता। अगर मैं इस फिल्म के बारे में आपको कुछ भी बता दूं वो भी एक बहुत मेजर स्पॉइलर होगा, तो आप ये फिल्म देखेंगे और आप इस फिल्म को सराहेंगे। हाँ, स्क्रीन प्ले में कुछ कन्वीनियंट से लूप होल्स हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें स्क्रीन प्ले में जैसे हर फिल्म के स्क्रीन प्ले में होती हैं वो हैं, बट वो इतनी कम है और वो इतनी ज़्यादा फिल्म को बॉदर नहीं करती। आपको लगता है कि आप उनको इग्नोर कर देते हैं। विकी कौशल ने अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है, वो कहीं भी ओवरबोर्ड नहीं गए हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बड़े ही रिस्ट्रेंड ठहराव के एक जहाँ वो मजबूर है वहाँ वो मजबूर है, आपको लगता ही नहीं है कि वो विकी हैं। फ्रेम वन से ही आपको वो गोविंदा के रोल में कन्विंस कर लेते हैं। भूमि पेडनेकर का किरदार काफ़ी छोटा है लेकिन जितना भी काम उन्होंने किया है वो लाजवाब काम किया है। भूमि का जो कंट्रोल है स्क्रीन पर और गोविंदा पर वो आपको देखते वक्त हंसी भी आती है, और भूमि जिस तरीके से उन सीन्स को पुल ऑफ करती हैं वो सीन्स देखकर आपको मज़ा आता है। इस फिल्म की स्टार हैं कियारा आडवाणी। ट्रस्ट मी, कियारा आडवाणी ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है इस फिल्म में। उनके पास करने के लिए इतना कुछ है इस फिल्म में, इतना कुछ है कि आपको वो फुल्ली सैटिस्फाई कर देंगी अपने किरदार से, और वो हर एक टोन में, इस कैरेक्टर के हर एक टोन में आपको कन्विंस करती हैं। तो कियारा आडवाणी का जो किरदार है इस फिल्म में वो मेरे लिए सबसे बेस्ट लिखा हुआ किरदार, सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट किरदार है। शी क्लियरली स्टोल द शो आउट एंड आउट। गोविंदा नाम मेरा एक होलसम एंटरटेनमेंट फिल्म है, आपको ये फिल्म देखकर बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ इस फिल्म को किसी स्पॉइलर से पहले देख लीजिए। आई हाईली 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 रिकमेंड यू टू वॉच गोविंदा नाम मेरा। इट इज़ स्ट्रीमिंग ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। आपने गोविंदा नाम मेरा देख ली है तो प्लीज़ मुझे बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा द फ्लिक एडिक्ट को। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। मेरा नाम है नवजोत, फिर मिलेंगे।